I'm sorry, बा। मैंने उस वक्त जो कुछ भी कहा ना सब डर के मारे कहा था। भी अचानक से घर छोड़ के चला गया बा, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। जैसे मेरा दिमाग ही काम करना बंद कर दिया हो। बा प्लीज, जो कुछ भी हुआ है उसे भूल जाइए ना और एक नई शुरुआत करते हैं बा। आखिर हमें एक साथ एक छत के नीचे रहना है ना बा, तो फिर रोज रोज झगड़े क्यों करना? आई अग्री। रोज रोज झगड़ा करना अच्छा थोड़ी लगता है बा, इसलिए हर सास और हर बहू को झगड़ा करने के लिए कोई एक दिन डिसाइड कर लेना चाहिए। एवरी सेकेंड सैटरडे, एवरी संडे या फिर किसी त्योहार के दिन। तुझे ये बहू इतनी पसंद आ रही है तो अपने साथ ले जा, दोनों समधन साथ में प्यार से रहना और हर सेकंड सैटरडे लड़ भी लेना। नो, मैं अपनी समधन से दूर ही सही हूँ। देखा, इसके जैसी से रिश्ता निभाना किसी के बस की बात नहीं है। मेरे जैसी मतलब? बाप, मैं उतनी बुरी भी नहीं हूँ जितना आप मुझे समझते हो। आई नो मैं कभी कभी स्टूपिडिटी करती हूँ, लेकिन वो सब इसीलिए क्योंकि मैं वी से बहुत प्यार करती हूँ बा। अच्छा, तो फिर तेरे वी को ही बोल कि तेरी आरती उतारे, तेरा गृह प्रवेश करवाए। मुझसे उम्मीद मत रखना। आरती होना हो, रस्में होना हो, मगर गृह प्रवेश तो जरूर होगा। आपका दिल दुखाने के लिए I'm sorry, लेकिन I swear बा, मैंने जो कुछ भी कहा ना गुस्से में कहा था और सिर्फ कहा था। मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था बा। बा, मैं एक अच्छी बहू बनना चाहती हूँ, आप सबका दिल जीतना चाहती हूँ बा। प्लीज प्लीज मुझे एक और चांस दे दीजिए। सुबह से ना बहुत तमाशे हो चुके, बहुत ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। और ये नकली रोने से तेरा मेकअप खराब हो जाएगा, तेरे मगरमच्छ के आंसू का ना मुझ पर कोई असर नहीं होगा। तू काव्या से काव्या बनरा शाह बन गई, पर शाह परिवार की बहू नहीं बन सकती है। मेरी बहू सिर्फ अनुपमा थी, मेरे घर में और मेरे दिल में उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। मैं भी अनुपमा के बाद किसी और को अपनी बहू नहीं मान पाऊंगा। बापूजी, कहाँ जा रहे हो? यहाँ सबको मिलने आया था, मिल लिया। अब मेरी बेटी के घर जा रहा हूँ, वहीं रहूंगा। और मैं आपका कुछ नहीं लगता है? वो मेरा बेटा है और रहेगा, लेकिन मैं तेरे साथ यहाँ नहीं रह पाऊंगा। भगवान तुम दोनों को खुश रखे। जहां आप वहां मैं भी आपके साथ चलूंगी। अच्छा है, मैं तो कहती हूँ कि सबके सब अनुपमा के पास चले जाओ। मैं भी तुम लोगों को अब और नहीं झेल सकती। आप लोग प्लीज मुझे छोड़ के मत जाइए। आप लोग हैं तो मैं हूं, ये घर है, परिवार है। अगर आप लोग चले गए तो ये घर परिवार तिनका तिनका करके बिखर जाएगा। बापूजी, मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ता हूं, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाइए। हम तुम्हें छोड़ के नहीं जा रहे बेटा, साथ नहीं रह सकते इसलिए दूर जा रहे हैं। अपनी किस्मत में ये दूरियां तूने खुद लिखी है। मेरी गलती की इतनी बड़ी सजा पा,
बेटा हूं मैं आप लोगों का, ना मैं आप लोगों के बिना रह सकता हूं ना आप लोग मेरे बिना रह पाएंगे, तो फिर ये जिद क्यों कर रहे हैं? प्लीज बाप मान जाइए ना, मत जाइए। आई एम सॉरी भाई, पर जहां ये काव्या है वहां मैं भी नहीं रुक सकती। आप दोनों को ये शादी मुबारक हो, हमेशा खुश रहिए। ओह गॉड, मेरा ये सन इन लॉ इतना इडियट क्यों है? किंजल की तरह ये भी एक नंबर का इमोशनल फूल है जो अपना फायदा नुकसान नहीं देखता। अब मुझे ही कुछ सोचना पड़ेगा। You, Papa. पर मैं आपके साथ यहां नहीं रह सकती। I'm sorry and all the best. I think even I should leave. Newly married couple के बीच में मैं कब आपकी हड्डी क्यों बनूं? Have fun, Kavya.